नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। राजगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर हुई एफआईआर, वापस लेने हेतु कांग्रेस ने महामहिम राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं विधायक प्रियव्रत सिंह जी ने राजगढ़ में भारी कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पर बिना जांच पड़ताल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राजनीतिक दबाव में की गई एफआईआर के विरोध प्रदर्शन किया एवं एफआईआर को वापस लेने हेतु महामहिम राज्यपाल के नाम पुलिस प्रशासन राजगढ़ को जिला ज्ञापन दिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, राजगढ़ विधायक बापू सिंह तंवर, ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत सिंह चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष जीरापुर सत्यनारायण सराउत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष जीरापुर राजेश शर्मा पटवारी, नगर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष छापीहदा शाहिद भाई, नगर युवक कांग्रेस अध्यक्ष शाहरुख अहमद, कंवर लाल दांगी, विनोद किरार, जनपद सदस्य मुकेश राठौर, रोहित बना झरमाओ, प्रेम सिंह राजाहेली, रामविलास सरपंच खारपा, सलमान खान सिरपोई, श्याम राठौर के साथ कांग्रेस परिवार के पदाधिकारियों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजगढ़ जिला संवाददाता विवेक मालवीय की रिपोर्ट। वो तो चली जाएगी, पर यहाँ पे काहे को कागजी खाना पूर्ति में अपना समय बर्बाद किया। आप जनता का काम करते, दो चार चोरियां रुकती, चार पांच आदमी हेलमेट पहनते हैं, सहारनपुर में किसी की हत्या हो गई वो नहीं होती, कुछ ना कुछ डकैती हुई है, पचोर में हत्या हुई है वो नहीं, खिलचीपुर में चोरियां हो रही है आए दिन वो नहीं होती। थोड़ा पुलिस अगर इन सब राजनीतिक कामों की जगह थोड़ा ध्यान दे जनता के कल्याण के लिए, जन सेवा और देशभक्ति के प्रति आप अगर सजग हो तो ज्यादा उचित रहेगा। अब मेरा तो आपसे ये अनुरोध है। और दूसरा, आपने जांच भी नहीं करी, ऐसा लग रहा था कि आपके जितने विवेचना अधिकारी जो भी हैं इसमें, मेरे को नहीं मालूम कौन होंगे, आईओ कोई होगा ना इसमें, कौन है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, को थाना प्रभारी, तो थाना प्रभारी जी ने क्या जीवनी पड़ रखी है हेड गवर्नर साहब की, तो ये कोई तरीका है कि आप कम से कम किताब, जिस किताब के जिक्र हुए हैं, जो चीजें हुई हैं, उनको पढ़ो तो सही, कम से कम कोई भी चीज करने से पहले जांच में तो आ ही जाएगा। पर आपने तो पेपर की हेडलाइन बनवा दी, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है इस प्रदेश का, राज्यसभा का सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री है, आपने उसके खिलाफ एफआईआर कर दी, यही करके बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना समझे, बिना सोचे, तो इससे तो प्रतिष्ठा तो प्रभावित होती है ना भैया। जैसा भी होगा होगा ऐसा, एफआईआर वापस होगी। पर सर मेरा एक निवेदन है कि पूरे उसमें टीवी पे चल गया था कि उनके खिलाफ रजिस्टर्ड हो गई है एफआईआर, तो एक अपराध की कितने एफआईआर रजिस्टर्ड करोगे? 25? आप तो जांच करना चाहिए। यहाँ तो लोग राजनीतिक नंबर बढ़ा रहे हैं अपने एफआईआर दर्ज करा के, तो आप लोग जन कल्याण के काम में ध्यान दीजिए। ये जो हत्याएं हो रही है इनका पर्दाफाश करिए। दो दो हत्याएं हो गई हमारे यहाँ, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? और डकैतियां हो रही है, चोरियां हो रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस पर ध्यान दीजिए। राजनीतिक खटकर्म जो आप करवा रहे हैं, इन पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप एफआईआर वापस करवाइए, उसको समाप्त करिए। जो इंदौर में अगर एक हो चुकी है तो हो चुकी है, होता रहेगा। मर्डर हो गए जिले में 15 दिन में, 4 मर्डर। अरे चोरी रोज हो रही है, फिर बैलों की वो डोरी काट रहे हैं, पुलिस वाले एफआईआर नहीं कर रहे हैं। हमने हमारे सुनी और बाकी काम में आपको पुलिस ले लीजिए, इतना नहीं करना राजनीति। महिला वो तो ये तो पुलिस तो पूरी की पूरी